एवरीवन, इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कि किस तरीके से हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हैं आर्टिफिशियली। तो इसके लिए हमारे पास तीन मेथड है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। जैसे कि आपको पता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की डेफिनेशन क्या है, कि विदाउट सीड्स हमने जितने भी प्लांट्स हैं उनको ग्रो करना है। वो किस किस से कर सकते हैं? वो हम प्लांट की लीफ पार्ट से कर सकते हैं, स्टेम पार्ट से कर सकते हैं और रूट पार्ट से कर सकते हैं, लेकिन सीड पार्ट से हमें उसको ग्रो नहीं करना। तो हमने क्या करना है, सबसे पहला मेथड कटिंग यूज करना है। इस कटिंग मेथड की जो एग्जाम्पल है वो रोज, ग्रेप्स और बनाना, कैक्टस, बोगनवेलिया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट मैंने तीन चार जो वेल नोन एग्जाम्पल्स हैं उसके बारे में आपको इसमें मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो इसमें ये क्या बोलते हैं कि जो कटिंग मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, मान लो कि एक प्लांट है जिसके अंदर एक स्टेम लगा हुआ है, उस स्टेम की कटिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ शार्प नाइफ की हेल्प से हम क्या करते हैं, प्लांट को कट कर देते हैं। लेकिन जो हम कट करते हैं वो शार्प नाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो नाइफ थोड़ा सा ब्लंट हो। अगर वो ब्लंट नाइफ होगा तो प्रॉपर कटिंग नहीं हो पाएगी। दूसरा, प्लांट के अंदर एक बड का होना जरूरी है। बड का मतलब एक छोटी सी लीफ जहां से ग्रो हो रही है वो होनी जरूरी है, या एक लीफ होनी जरूरी है, चाहे बड हो चाहे लीफ हो, जो मर्जी हो, उसका होना जरूरी है। बिकॉज उसके बिना जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो उसको डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं, ग्रो करवा देते हैं किसके अंदर, सॉइल के अंदर, और उससे क्या बन जाती है, एक नया प्लांट। मॉइस्ट सॉइल के अंदर जब इस हम बड पार्ट को विद स्टेम पार्ट को ग्रो करते हैं, तो ग्रो करने के बाद क्या होगा, इसमें नीचे से क्या निकल आएंगी, रूट्स निकल आएंगी, और ये रूट्स क्या करेंगे, एक नए प्लांट को डेवलप कर देगी। तो इसमें भी वही सेम करेक्टरिस्टिक रहेगी कि जो पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल होगा वही जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर मिलेगा, क्योंकि पेरेंट प्लांट से ही डायरेक्ट ये प्लांट हमने ग्रो करवाया है। तो दिस वॉज द कटिंग मेथड। नेक्स्ट जो मेथड है वो हम कर रहे हैं लेयरिंग। लेयरिंग टेक्निक क्या है, इसी का ही सेकेंड पार्ट है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। इसमें जो एग्जाम्पल हमारे पास है वो है जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, लेमन एंड गुआवा। ये चार पांच एग्जाम्पल हैं, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैंने हिबिस्कस का भी इसी में एग्जाम्पल आ जाता है, लेकिन चार एग्जाम्पल कॉमन एग्जाम्पल कंसिडर किए गए हैं। इस टेक्निक में क्या करते हैं हम, जैसे मान लो ये एक प्लांट है जिसके अंदर ये इसका स्टेम वाला पार्ट है, ये स्टेम पार्ट को हम क्या कर देते हैं, सॉइल में दबा देते हैं। क्लियर, जब सॉइल में दबा करके इसका जो स्टेम वाला पार्ट बाहर निकाल देते हैं, यही जो स्टेम है कॉन्टिन्यूसली चल रही है, इसका हमने हाफ पार्ट के अंदर इसको सॉइल में दबा दिया और हाफ जो है इसका वो क्या है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। जो होगा क्या, अगले कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इसमें से ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ से रूट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे इसमें से रूट वेल होना स्टार्ट हो जाएंगे तो एक नया प्लांट बन जाएगा, ये एक नई एंटिटी बन जाएगी, इसका इसके साथ अब कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। आप चाहो तो इसको अलग कर सकते हो, बिकॉज इन दोनों की अब अलग अलग आइडेंटिटी है। तो ये आपका कौन सा मेथड हो गया, लेयरिंग मेथड। अगली जो टेक्निक हम कर रहे हैं वो है ग्राफ्टिंग टेक्निक। ये जो टेक्निक है थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक है, क्योंकि इसमें हम जो यूज करने वाले हैं वो एक प्लांट का तो वो पार्ट यूज करेंगे जिसमें स्टेम के साथ रूट होगी, और दूसरे प्लांट की वो पार्ट का यूज करेंगे जिसमें ओनली स्टेम होगा। क्लियर, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो कट पार्ट, जो स्टेम वाला पार्ट होता है जिसके अंदर रूट्स होती हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं स्टॉक। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक, और इसको हम क्या नाम देते हैं, शियन, स्टॉक एंड शियन। देखिए ध्यान से देखिएगा एक चीज को, कि मैंने जो पार्ट लिया है ये स्टेम वाला पार्ट जिसमें रूट लगी है उसको स्टॉक नाम दिया है, और जो मैंने अनदर प्लांट लिया है उसको मैंने नाम दिया है शियन, जिसमें हमें रूट्स नहीं लेनी, ओनली उसका स्टेम पार्ट लेने। इसमें जो एग्जांपल होते हैं वो है एप्पल, पीच, एप्रिकॉट और पियर। ये एग्जांपल हम इसके अंदर ले सकते हैं, मतलब इसमें हमने दो अलग अलग प्लांट्स के फ्रूट्स को एक ही प्लांट पर ग्रो करना है, मीन्स इसके जो करेक्टरिस्टिक्स होंगे वो भी डेवलप होंगे, तो साथ साथ ये जो हमने जो दूसरा प्लांट लिया है इसके करेक्टरिस्टिक भी उसके अंदर डेवलप होंगे। लेकिन हम इसको जो कट करते हैं वो करते हैं स्लांटिंग वे से,
स्लांटिंग कट करते हैं इसके अंदर, ऐसा क्यों? हम इसको 90 डिग्री के ऐसे एंगल से क्यों नहीं कट कर सकते, हमने स्लैंटिंग ऐसे ही क्यों कट किया? तो इसका एक रीजन होता है कि अगर हम इसको स्लैंटिंग वे में कट करेंगे तो कट करने से क्या होगा, ये एक दूसरे को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, हेल्प करेंगे उसको होल्ड होने में एक दूसरे के ऊपर। अगर ये बिल्कुल 90 डिग्री पे, जैसे हम लोग ये देख रहे हैं, जैसे हमने इसको 90 डिग्री पे ऐसे कैसे रख दिया, तो ये कहीं भी किसी भी साइड से गिर सकता है। अगर ये थोड़ा सा स्लांट होगा, मींस एक साइड से बड़ा होगा और एक साइड से छोटा होगा, तो इसको क्या प्रोवाइड करेगा, उस साइड से सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या रैप कर देते हैं, इसके ऊपर हम एक कपड़े को लपेट देते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, क्लियर। लेकिन जब इसको क्या करते हैं, इसको जब एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, तो इसके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम पार्ट है उनको इसी तरीके से लगाया जाता है कि जाइलम के ऊपर जाइलम आए, फ्लोएम के ऊपर फ्लोएम आए, ताकि नीचे से जो वाटर ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो इसको भी मिल सके, क्योंकि इसको भी किसकी जरूरत है, वाटर की जरूरत है, फूड की जरूरत है। तो इसके बाद हमने इसके ऊपर कपड़े को रैप कर दिया, कपड़े को रैप करने के बाद हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, एक पॉली बैग को रैप कर दिया। देखिए रैप करने का रीजन क्या है, क्योंकि देखो फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी मींस पैथोजेंस, वायरस या बैक्टीरिया किसी का भी अटैक हो, उससे उसको क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, इसीलिए हमने उसके ऊपर पॉली बैग को रैप किया है। लेकिन कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि ये जो आपस में ये दोनों के दोनों पार्ट हैं, वो रैप करने के बाद ऑटोमेटिकली अंदर से क्या कर जाएंगे, एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। रीजन क्या होगा, क्योंकि जहां पर इंजरी हम बोलते हैं ना, जिस चीज को जहां पर कट लगा होगा उस जगह पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो करेगा और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर से क्या कर देगा, उसको एक दूसरे से क्या कर देगा, अच्छे से चिपका देगा, यानी कि ये दोनों प्लांट एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके जो फ्रूट्स हैं वो एक अलग लगेंगे, इसके जो फ्रूट्स हैं वो अलग लगेंगे, मींस एक ही प्लांट में दो तरह के हम क्या कर सकते हैं, फ्रूट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है वो है ग्राफ्टिंग टेक्निक, क्लियर। तो ये सारा इसके अंदर कवर हो गया। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या कह सकते हैं खाली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल वर्ड हटा दीजिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एडवांटेजेस, सबसे पहले एडवांटेज है सेम डीएनए। आपने देखा कि जो भी हम प्लांट ले रहे हैं वो हमने पेरेंट प्लांट से एक नया प्लांट बनाया है, हमने सीड का यूज इसमें नहीं किया। अब सीड जो बनता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, लेकिन हम जो यूज कर रहे हैं वो हम उसी प्लांट का पार्ट यूज कर रहे हैं, इसीलिए उसका हमेशा सेम डीएनए रहेगा, वो डीएनए कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसी प्लांट से एक नया प्लांट ग्रो कर रहा है। सेकेंड थिंग बात करें फास्टेस्ट टेक्निक, बिकॉज अगर हम किसी प्लांट को सीड से ग्रो करेंगे तो सीड से ग्रो करने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम किसी भी प्लांट की कटिंग यूज करेंगे या किसी को लीफ के थ्रू डायरेक्टली ग्रो करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर टेक्निक जो है वो हमेशा फास्ट रहेगी। क्यों फास्ट रहेगी, इसका रीजन क्या रहेगा? तो ये तो आपकी थी फास्टेस्ट टेक्निक, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या किया, प्लांट को क्या कर लिया, डायरेक्टली प्लांट से ही ग्रो कर लिया विदाउट सीड, तो इसलिए फास्ट टेक्निक है। थर्ड वन इज द नीड लेस अटेंशन। इसमें देखिए क्या होता है, जब हम सीड से प्लांट को ग्रो करेंगे तो प्लांट की जर्मिनेशन डिपेंड करती है कंडीशंस पर, कई बार जो सीड के थ्रू प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाता, तो इसलिए क्या होता है कि जब हम इसको डायरेक्टली किसी रूट या स्टेम पार्ट से यूज करेंगे, लीफ पार्ट से यूज करेंगे, या हमने कटिंग लेयरिंग किसी मेथड से यूज करेंगे, तो उसके अंदर प्लांट हमें पहले से ही कुछ काफी क्या मिलेगा, कुछ हाइट का मिलेगा, जिसकी वजह से उसको अटेंशन क्या चाहिएगी, कम चाहिएगी, क्योंकि जब न्यू एकदम सीड के थ्रू ग्रो करता है प्लांट तो उस केस में उसको अटेंशन क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। फिर कहते हैं प्लांट्स कैन बी ग्रोन बाय वन पेरेंट, तो आप देख ही रहे हैं कि हम एक सिंगल पेरेंट से भी क्या कर सकते हैं, प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये किस में आ जाएगा, वेजिटेटिव पार्ट में आ जाएगा। सीडलेस प्लांट कैन बी ग्रोन, यानी कि सीडलेस प्लांट क्या हो गया, जिसमें हम सीड का यूज नहीं कर रहे, उसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो ये थी कुछ एडवांटेजेस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, तो इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो है टिश्यू कल्चर। जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है
टिश्यू कल्चर, जिसके दो एग्जाम्पल है ऑर्किड डहेलिया, एक और एग्जाम्पल भी है क्राइसेंथेमम, करना चाहिए आप कर सकते हैं, लेकिन दो इसमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं, ऑर्नामेंटल जो सजावट के लिए हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा कि टिश्यू कल्चर होता क्या है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, टिश्यू की हेल्प से कल्चर करेंगे हम। अब टिश्यू का कल्चर क्या करेंगे हम, किसी भी प्लांट के, मतलब जैसे मैंने इसके एग्जाम्पल लिए, मान लो इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने ऑर्किड की ही टिश्यू से एक नए प्लांट को ग्रो करना है, मीन्स ग्रोथ ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन टिश्यू, उसी से एक नए प्लांट को ग्रो करेंगे। किसमें ग्रो करेंगे, सबसे पहले न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करेंगे, और ग्रो करके क्या करेंगे, एक नया प्लांट बना देंगे। लेकिन उसके लिए क्या टेक्निक है उसको हम देखते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पेट्री डिश लेते हैं, इस पेट्री डिश के अंदर हमने एक मीडियम ले लिया, जो कि मीडियम है न्यूट्रिएंट मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम। इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर आपको मिलेगा अगार, ये न्यूट्रिएंट है, साथ में मिलेंगे हॉर्मोन्स। ये हॉर्मोन्स क्या है, ये ग्रोथ को इंक्रीज करवाने में हेल्पफुल है। जैसे इसमें क्या होगा, हमने जो इसका ऑर्किड का ही एग्जांपल ले रहे हैं, तो ऑर्किड के हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि जो बड के अंदर ग्रोइंग पार्ट होता है उसको हमने लेना है, और लेने के बाद इसको हमने क्या किया, इसमें लंप जो बनाई है सेल्स को ले लिया मेरिस्टेमेटिक, और यहाँ एक लंप बन चुका है, मतलब एक बहुत सारा सेल्स का गुच्छा बन चुका है, तो इसको हम नाम दे देंगे कैलस। ये कैलस अब ग्रो करना स्टार्ट करेगा, जैसे जैसे ग्रो करना स्टार्ट करेगा तो हम क्या करेंगे, इसी कैलस को ट्रांसफर कर देंगे एक अनदर मीडियम में, प्लांट मीडियम, जो न्यूट्रिएंट मीडियम जिसके अंदर होंगे प्लांट हॉर्मोन्स। इसमें क्या मिलेंगे आपको, प्लांट हॉर्मोन्स। ये प्लांट हॉर्मोन्स का काम क्या होता है, सबसे पहले ये रूट को डेवलप करवाएंगे, क्या हो जाएगी इसे, रूट डेवलप। अब देखिए प्लांट हॉर्मोन्स ने रूट डेवलप करा दी, न्यूट्रिएंट मीडियम की हेल्प से रूट डेवलप हो चुकी है, अब क्या बचा हमारा शूट। फिर हम अगेन इसी को ट्रांसफर कर देंगे अनदर हॉर्मोन्स में, जो कि इसका डेवलपमेंट करवाएंगे, शूट को डेवलप करवाएंगे। अब ये शूट डेवलप करवाएंगे तो शूट भी ग्रो कर जाएगी। जब ये प्लांटलेट्स कंप्लीटली रूट और शूट को डेवलप कर लेंगे, उसके बाद हम इसको शिफ्ट कर देंगे किसके अंदर, सॉइल में। लेकिन हमें जो कंडीशंस देनी है वो ऐसी कंडीशन देनी है जो कि प्लांट को चाहिए, क्योंकि उसी कंडीशंस में प्लांट क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, अदरवाइज प्लांट ग्रो भी नहीं करेगा। दूसरी चीज ये कह सकते हैं कि इससे हम जल्दी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं सीड के कंपैरिजन में, क्योंकि सीड में टाइम लगेगा, इसमें हमने पहले से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिया है, उससे हम डायरेक्टली उसको ग्रो करेंगे तो उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए ये मेथड भी क्या है, थोड़ा सा फास्ट है। तीसरा जो है वो मैं बात जो है सारी एडवांटेजेस में डिस्कस करूंगा जो इसके बच चुके हैं, तो अभी नेक्स्ट पार्ट में इसको हम करेंगे एडवांटेजेस को। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर, तो ये चार एडवांटेजेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के साथ साथ टिश्यू कल्चर के एडवांटेजेस मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं, एडवांटेजेस हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं एडवांटेज की, फास्ट टेक्निक है, क्योंकि ये हम डायरेक्टली विदाउट सीड ग्रो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टिश्यू, तो इसीलिए एक फास्ट टेक्निक है। दूसरा ये डिजीज फ्री है, वो कैसे, क्योंकि हम प्लांट भी वही सिलेक्ट करेंगे जो पहले से डिजीज फ्री होगा, या अच्छी क्वालिटी का हम प्लांट यूज करेंगे जिसमें कोई डिजीज लगने के चांसेस बिल्कुल कम हो, तो उससे हम जो प्लांट ग्रो करेंगे तो नेचुरल है, वो भी कैसा होगा, डिजीज फ्री होगा, कैन ग्रो राउंड द ईयर, क्योंकि हम आर्टिफिशियली इस मेथड से ग्रो कर रहे हैं तो हम प्लांट को किसी भी सीजन में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको उसी के अकॉर्डिंग का सुटेबल टेम्परेचर और सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करके उसको राउंड द ईयर क्या करा सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। नेक्स्ट कहते हैं वेरी लिटल स्पेस रिक्वायर्ड, इसमें जगह की हमें बहुत ही कमी, मतलब ज्यादा जगह नहीं चाहिए, क्योंकि इस टेक्निक में आपको मैंने बताया था कि हम इसको पेट्री डिश में ही ग्रो कर रहे हैं, जब हम पेट्री डिश में ही प्लांटलेट्स को ग्रो कर सकते हैं तो आपको भी पता है कि इसमें स्पेस की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होगी, तो हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत ही कम स्पेस की रिक्वायरमेंट है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर। तो इसी के साथ आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट सारा कंप्लीट हो जाता है, तो ये सारा का सारा पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।